गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। हमारे पास में चल रही थी एक्सरसाइज 12.1 पावर एंड एक्सपोनेंट्स चैप्टर नंबर 12। इसमें हमारे पास आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमने क्या है हमारे पास में, देखिए -4 की पावर 5 डिवाइडेड बाई -4 की पावर 8। सही है ना, ये डिवाइड का साइन है, जब भी डिवाइड का साइन आता है तो पावर है माइनस हो जाती है। तो क्या लिखेंगे अपन, -4 की पावर 5 -8। तो कितना आया, 5 में से माइनस 8 तो -3, तो -4 की पावर -3। अभी माइनस का 3 आ रहा है, या तो ये आंसर है हमारे पास में। अगर ऐसे ही लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हैं, 1/4 -1/4 की पावर 3, दिस इज द आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास में है 1/2 की पावर 3 पावर 2। क्या है सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में, 1/2 पावर 3 पावर 2। इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है। हम 1 के ऊपर तो कितनी भी पावर लगा लें कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता, तो हम इससे क्या कर सकते हैं, इससे हम ले सकते हैं पावर 2 को, पावर 3 को ऊपर ले सकते हैं। तो यानी कि इसको कैसे लिखेंगे, 1/2 पावर 3 और 2 पावर 2। इसका हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना है आपके पास, 1/2 3 × 2 6, 1/2 पावर 6। ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास में क्वेश्चन है हमारे पास में -3 पे पावर 4 × 5/3 पे पावर 4। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, अभी हमारे पास 5/3 पे पावर 4 है, तो इसको हम दोनों को दे सकते हैं, कि -3 पे पावर 4 × 5/3 और 3/4। क्लियर है। तो इससे हमारे पास में भले यहाँ पे -3 है, लेकिन इसको हम काट के क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -1। क्या लिख सकते हैं, -1, और -1 मल्टीप्लाई बाई 5/4। तो -1 यहाँ पे हमारे पास में पावर क्या है, 4 है। तो पावर 4 है तो क्या है, हमारे पास एक इवन नंबर है पावर। तो जब भी हमारे पास किसी भी नेगेटिव, अगर हमारे पास कोई वैल्यू यहाँ पे है नेगेटिव में, माइनस का एक्स है, और यहाँ पे कोई भी इवन पावर है, क्या है, इवन पावर, तो हमारे पास में क्या होती है, जो इवन पावर है माइनस को हाई आती है, इसको कैंसिल आउट कर देती है। हमारे पास में जो वैल्यू आती है यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव की आएगी। इस कंडीशन में हमारे पास में वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव की आएगी। तो इस हिसाब से हमारे पास में ये मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, -3 की पावर 4। तो यहाँ पे हमारे पास में अगर हम इसको करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए -3 × -3 × -3 × -4 4 × -3 लिख लिया, फिर -5 5 5 और 5। यहाँ पे आ गया हमारे पास 3 3 3 और ये 3। तो 1 2 3 4 3 से ये 3 3 3 3 करके -1 -1 -1 -1 -1, तो कितना आ गया हमारे पास, 1 1 1 1। तो हमारे पास कितने आया, +1 + 1 और 5 × 5 × 5 × 5 × 5 = 625 625 = 625 = 625 = 625 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
नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर सेकंड के एक दो पार्ट और बच्चे, उनको आप अपने आप देखना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे क्या कहता है, देखिए आप, 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1, 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 इंटू 2 की पावर 2। तो 3 की पावर 0 कितना हो गया 1, प्लस 4 की पावर -1 यानी कि 1/4
इंटू टू की पावर टू यानी कि टू इंटू टू। तो इसको सॉल्व करेंगे, तीन से कुछ नहीं है तो क्या वन है, यहाँ पे क्या करेंगे अपन, एलसीएम लेंगे फोर, फोर वन या फोर, फोर इंटू वन फोर, प्लस फोर वन या फोर वन मल्टीप्लाई बाई वन वन इंटू फोर इंटू फोर, सॉरी टू इंटू टू फोर। फिर ये कितना आ गया हमारे पास, फाइव अपॉन फोर मल्टीप्लाई बाई फोर, स्टेट को कैंसिल आउट किया हमारे पास आंसर कितना आ गया फाइव। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास में, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये फर्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्योंकि कहता है हमसे थ्री की पावर माइनस सेवन डिवाइडेड बाई थ्री की पावर माइनस टेन, और सॉरी ये हमारे पास टू की पावर माइनस का वन इंटू फोर की पावर माइनस वन, फोर की पावर माइनस वन डिवाइडेड बाई टू की पावर माइनस टू, डिवाइडेड बाई टू की पावर माइनस का टू, ये है हमारे पास क्वेश्चन। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, टू की पावर माइनस वन यानी कि वन अपॉइंट टू डिवाइडेड बाई वन अपॉइंट फोर, और डिवाइडेड बाई टू की पावर टू यानी कि वन अपॉन टू की पावर टू। क्लियर, सॉल्व करते हैं, ये कितना आ गया वन अपॉन एट डिवाइडेड बाई, ये कितना आ गया वन, वन का स्क्वायर वन और टू का स्क्वायर फोर, लेकिन ये डिवाइड का साइन है, जब भी डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो इसके पीछे वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देते हैं अपन, वन अपॉन एट मल्टीप्लाई फोर अपॉन वन। क्लियर, अब इसको कैंसिल आउट करके फोर टू या एट, तो यानी कि यहाँ पे वन और यहाँ पे टू, तो वन अपॉन टू इज द आंसर। क्लियर, अब आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास में क्या कहता है, वन अपॉन टू की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन थ्री की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन फोर की पावर माइनस का टू बाई थ्री। यस, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इंटर है देखो अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई होती तो अपन माइनस टू पावर है वो कॉमन ले लेते, लेकिन इस केस में हम ऐसा नहीं कर सकते, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे टू की पावर टू, रेसिप्रोकल कर दिया तो पावर प्लस में हो गई, इसका रेसिप्रोकल करो तो पावर प्लस में हो जाएगी, थ्री की पावर टू प्लस फोर की पावर टू, इसका क्या होगा हमारे पास में स्क्वायर फोर प्लस नाइन प्लस सिक्सटीन, ऐड करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा ट्वेंटी नाइन, दिस इज द आंसर। फोकस करिए बच्चे, चलिए लास्ट क्वेश्चन और कराता हूँ मैं आपको, क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर्थ वाला क्वेश्चन और कराता हूँ मैं आपको, देखिए क्या कहता है हमसे, थ्री की पावर माइनस वन प्लस फोर की पावर माइनस वन प्लस फाइव की पावर माइनस वन फोर्थ पे पावर जीरो, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, वन अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन फोर प्लस वन अपॉन फाइव फिर पावर जीरो, तीनों का एलसीएम लिया तो मेरे पास में कितना आया ट्वेंटी इंटू थ्री सिक्सटी, हमारे पास में एलसीएम आया सिक्सटी, इससे इसका डिवाइड किया कितने टाइम में यानी ट्वेंटी टाइम में, ट्वेंटी मल्टीप्लाई बाई वन ट्वेंटी प्लस इससे इसका डिवाइड किया फिफ्टी प्लस इससे इसका डिवाइड किया हमारे पास में कितना आया ट्वेल्व, इन सबका ऐड करेंगे कितना आएगा हमारे पास में 20 प्लस 15 हमारे पास आएगा 35 प्लस 12 47 अपॉन 60 पावर जीरो। अगर हमारे पास में कोई भी कितनी बड़ी वैल्यू हो अगर पावर जीरो है तो आंसर कितना आता है 1, दिस इज द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम हमारे पास में जो भी इसमें रिमाइंडर बचना है आप उन सबको सॉल्व करने की कोशिश करिए, सभी सिंपल क्वेश्चंस हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।